और इंडी गठबंधन को देश बार बार खारिज कर चुका है, नकार चुका है। इनके पास न विजन है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन है, इनके पास हौसला का नामो निशान नहीं, इनके पास हताशा ही भरी पड़ी है, इनके पास नीति नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। बिहार का काराकाट एक हॉट सीट बन गया है, जिसके लिए लड़ाई टक्कर की हो रही है। पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जिनके विपक्ष में बीजेपी जैसे राष्ट्रीय पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा हैं। अब पावर स्टार पवन सिंह के दमखम के आगे जब उपेंद्र कुशवाहा डगमगाने लगे, तो उनकी बागडोर को थामने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काराकाट आ गए। अब यहां पर आकर पीएम ने आखिर जनता से क्या कुछ कहा, आइए एक एक चीजों को जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के काराकाट में शनिवार को एक चुनावी रैली को संबोधित किया। यहां पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि दशकों तक इनकी पूरी राजनीति डरो और डराओ के मंत्र पर चली है, लेकिन मोदी ने इनके डर के गुब्बारे को फोड़ दिया है। हालत तो ये है कि मोदी उनके डर को भी डराता है। आइए जानते हैं काराकाट में पीएम मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें क्या रही। सबसे पहले पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून की शाम होते होते बिहार में आरजेडी वाले कहेंगे कि कांग्रेस ने लुटिया डुबो दी, कांग्रेस का शाही परिवार पराजय का ठिकरा, खड़गे जी के सिर पर फोड़ करके विदेश में छुट्टियां मनाने चला जाएगा। इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस आरजेडी और इंडिया गठबंधन को देश बार बार नकार चुका है। इनके पास विजन नहीं है, इनके पास सिर्फ कंफ्यूजन है, इनके पास हौसला नहीं है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन है, सिर्फ हताशा भरी पड़ी है, इनके पास नीति नहीं है, निर्णय लेने के लिए क्षमता नहीं है, ये सिर्फ नकारापन लेकर जी रहे हैं। इसके बाद देश को डराने का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दशकों तक इनकी पूरी राजनीति डरो और डराओ के मंत्र पर चली है, लेकिन मोदी ने इनके डर के गुब्बारे को फोड़ दिया है। हालत तो ये है कि मोदी उनके डर को भी डराता आया है। मणिशंकर अय्यर के बयान का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि डरपोक कांग्रेस और डरपोक आरजेडी वाले कहते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, इनसे डरो, इसीलिए पाकिस्तान के आतंकी जब चाहे भारत पर हमला कर चले जाते थे। मोदी इनकी तरह डरता नहीं है। मोदी ने सेना को कहा कि जाओ घर में घुस करके मारो, आज पाकिस्तान कुछ करने से पहले 100 बार सोचता है। आरजेडी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं कि जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं, ये मोदी की गारंटी है। बिहारियों के अपमान पर पीएम मोदी ने कहा कि लालटेन लेकर मुजरा करने वाली जो जमात है, वह भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। कांग्रेस से जवाब मांगने को तैयार नहीं है। आरजेडी में हिम्मत नहीं है कि बिहारियों के अपमान पर वो कांग्रेस को एक शब्द भी बोल पाए। पीएम मोदी ने जंगलराज पार्ट 2 का जिक्र करते हुए कहा कि मैं हमारे जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनको जरा जंगलराज पार्ट 2 से सावधान करना चाहता हूं। इनके जन्म होने के बाद जंगलराज कितना भयंकर था, ये देखने का अवसर नहीं मिला। वो समय था जब शाम होने के बाद बाहर निकलना मुश्किल था। आरक्षण पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज इंडिया गठबंधन वाले एससी एसटी ओबीसी अति पिछड़े का आरक्षण छीनने की बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। ये चाहते हैं कि बार बार मुस्लिम आरक्षण का फैसला कोर्ट में ना फंसे। इसके लिए उन्होंने पक्का कर लिया है कि अगर वो दिल्ली पहुंचेंगे तो पहला काम संविधान बदल देंगे। एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देने का संविधान में बदलाव करेंगे। इंडिया गठबंधन को दिए चैलेंज का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैंने एक महीने पहले इंडिया वालों को चैलेंज किया था कि आप चुनाव में आए हो, जनता जनार्दन को लिख कर दो कि हम सत्ता में आएंगे तो हम संविधान में परिवर्तन नहीं करेंगे, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं करेंगे। एक महीना हो गया है, लेकिन लिखने की बात तो छोड़ो, बोलने की हिम्मत नहीं है उनकी, इसका मतलब पेट में पाप है। अपनी गारंटियों को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि मोदी सरकार में पक्का घर, शौचालय, नल से जल, सस्ता सिलेंडर मिला। वैसे
ही मोदी अगले टर्म में भी अपनी सारी गारंटी को पूरा करेगा। तो ये था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काराकाट में दिया गया वो भाषण, जिसमें से ये कुछ 10 बातें थी जो महत्वपूर्ण रही, जिसको हमने आपको इस वीडियो में बताया। अब पीएम के काराकाट आने से और इस तरह का भाषण देने से जनता पर क्या असर हुआ और वो इसके बाद अपना सांसद किसे चुनती है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो पे आपकी क्या है राय कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।